सो इस तरह के जो यूटेंसिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपका जो जो भी आप बेक कर रहे हैं या कुक कर रहे हैं तो उसको इवनली हीट पहुंचती है, वो एक तरफ से ड्राई और एक तरफ से ओवर कुक्ड नहीं होता और एक तरफ से अंडर कुक्ड नहीं होता, यू नो. सो अ गुड क्वालिटी बेकिंग टिन, गुड क्वालिटी यूटेंसिल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अच्छा खाना. एंड दीज यूटेंसिल्स ऑल्सो हेल्प गिव योर एंड प्रोडक्ट अ वेरी प्रोफेशनल लुक. Keeping that in mind, I got myself a dough rising basket. Now, what this does is this beautiful rustic looking pattern over here, ये आ जाएगा ब्रेड के ऊपर और फिर मेरी ब्रेड लगेगी जैसे जैसे हम वो बाहर के रेस्टोरेंट्स में देखते हैं ना, कैसे यूं करके ब्रेड आई है और साथ में अर्ब्ड बटर आया है. सो फुल स्टाइलिश हो जाएगी मेरी ब्रेड. सो आई एम गोइंग टू मेक फोकाचिया विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेड्स, एंड फर्स्ट प्रूफिंग के बाद जो उसकी फाइनल प्रूफिंग है, सेकेंड प्रूफिंग है, वो मैं करूँगी इस प्रूफिंग बास्केट में या डो राइजिंग बास्केट में जो कि मैंने ली है होम स्टूडियो से. वेयर एल्स? सबसे पहले अपने सिफ्टेड फ्लावर में हम शामिल करेंगे यीस्ट, शुगर, ऑलिव ऑयल और सॉल्ट. डो हुक अटैचमेंट लगा के लो स्पीड पे 10 मिनट तक इसको नीड कीजिए, साथ साथ पानी शामिल कीजिए. ये हाथ से भी कर सकते हैं. आफ्टर 10 मिनट्स अपने डो को एक बड़े बोल में रखिए, क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर दीजिए आधे घंटे के लिए या जब तक ये डबल हो जाए अपने साइज में. आधे घंटे के बाद जो डो राइजिंग बास्केट है होम स्टूडियो की, उसमें इसी तरह से डो को निकाल के अरेंज कर लीजिए. और फिर सेकंड प्रूफिंग के लिए दोबारा से क्लिंग फिल्म के साथ कवर कीजिए और मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिए या जब तक कि ये डो बास्केट जितना बड़ा या डबल इन साइज ना हो जाए. बेक होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा डिज़ाइन आया है होम स्टूडियो की डो राइजिंग बास्केट का.